चाहूंगा कि इसराइल के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहूं मैं, जो भी अच्छा खेलेंगे वो जीतेंगे, लेकिन आपको फाइनल में कितने स्कोर चाहिए था? 120 पे चाहिए था, तो फाइनल स्कोर होता है। अभी आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा मैच? अपोजिट साइड बॉलर जैसे अफजल है, मौलिक है, जारी है, खुदकार भी जैसे सक्सेसफुल है, और हमारे ये दुनिया में इसके बारे में आप क्या कहना है, क्या कहने में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ये मैदान के बारे में आप क्या कहेंगे? पूरे बोर्ड जिले ने फर्स्ट नंबर की टूर्नामेंट है, जैसे किस जगह पे टंका गया है, ये टेक्निकल लेवल है, यहाँ पे बहुत जिले ने सीखी है अपनी, तो क्या बताऊँ मैं आपको, फर्स्ट नंबर की टूर्नामेंट है और ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा है। यहाँ के ग्राउंड के बारे में आपका क्या कहना है? बादल भाई जैसे आप भी तो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये ग्राउंड के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने बोला तो सही है, टंका के बाद इतना ग्राउंड मैंने देखा है पहली मरतबा, और काफी टूर्नामेंट खेल रहे हैं हम, इस ग्राउंड के लिए क्रिकेट खेलने की मजा ही और है, इसलिए ग्राउंड के बारे में और टंका के बारे में मैं हमेशा ही बोलूंगा, ग्राउंड होता है वहाँ खेलने की मजा ही और है। हमारे मौजूद है, इनको हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ के ग्राउंड के बारे में आपका क्या कहना है? हम लोग तो यहाँ मैच चल रही है, जिसे ग्राउंड में हम तुरंत वाली टीम यार बैठा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैच चल रही है और बहुत बढ़िया मजा आती है और लाइटिंग बैटिंग सब अच्छा है और आज तो सबसे बड़ा क्राउड है, बहुत क्राउड है। धन्यवाद हमारे खड़े हैं, वो भी इस नामी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक ग्राउंड की तैयारी करनी चाहिए और यकीनन यहाँ के जो प्रेक्षक है उन्होंने इस नामी का मजा लिया है और यकीनन तैयारी करनी होगी। कप्तान को भी निगरानी से प्रारंभ को मैदान में पहुंचा दें, जो कि हमारे आजवान है उनको हम पूछेंगे साहब के बारे में और इंसान के बारे में, वीरम सगा आपको इंसान के बारे में क्या कहना है? बहुत बढ़िया ग्राउंड है और खेलने के लिए हर खिलाड़ी को बहुत पैदा करने वाला ग्राउंड है और यहाँ के क्राउड की जितनी शारीरिक इतनी कम है, क्योंकि क्राउड बहुत ही जो अच्छा खेलता है उसको जरा सा है, जो विकेट लेता है या मुक्का मारता है उसको भी वो उनसे हौसला अफजाई करता है, तो वाक्य में बहुत ही अच्छे एक हमारे उनको पूछना चाहते हैं कि हमारे लिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे डुंगरी के इंडियन भाई इरफान भाई ने काफी अच्छी यहाँ पे तैयारी है, बहुत ही अच्छी जगह है और खास करके हमें भी इस बात की खुशी है कि डुंगरी के सारे यंग और जो भी बुजुर्ग लोग हैं उन सब ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है और आज की फाइनल मैच का भी खूब बहुत ही अच्छा आयोजन है और हमें खुशी है कि हम भी इस एरिया के काउंसिलर हैं और खास करके इलियास भाई और रिफान भाई और उनकी टीम को हम इस मैच फाइनल मैच के मौके पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी और साथियों को भी हर जगह को हम पूछना चाहते हैं कि इस फाइनल के बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज है, इधर डुंगरी के तमाम डिफरेंट लोग ऑर्गेनाइजेशन से लगे हुए हैं, हमारा बहुत अच्छा आयोजन पर सबसे ज्यादा उत्साह मुझे कस्बा इस टूर्नामेंट के लिए लगते हैं, जिसको सबसे ज्यादा उत्साह है इस टूर्नामेंट को चलाने में और अभी आज फाइनल खेला जा रहा है वो बहुत अच्छी तरह से फाइनल खेला जा रहा है और यहाँ पे दोनों टीमें बहुत मैं सुना हूँ कि बहुत फाइटिंग स्पिरिट से खेल रही है, देखिए एक टीम में 96 तो विन है तो दूसरी टीम क्या कर सकती है, अभी देखें उनकी दूसरी इनिंग चालू होने जा रही है, पर मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन सब ऑर्गेनाइज करने वाले सभी डुंगरी के खिलाड़ियों को और डुंगरी के नौजवानों को, क्योंकि ये मेरा भी बहुत भाव है एक तरफ से, क्योंकि मैं भी मेरे कैरियर में डुंगरी से ही खेला हुआ हूँ, तो सबको लास्ट में बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ मैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हरन भाई। अब दूसरी पारी शुरू होने की तैयारी में है। इस पारी में जो जीतने के भागेदारों की जरूरत अभी और जीनी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हुए हैं। अभी जीनी की छाने रनों की जरूरत अफजल जो कि काफी बढ़िया बॉलर हैं। एक बार फिर से अफजल गेंद कर दिया अभी को और बहुत ही बढ़िया गेंद मेरी किसी के साथ खेला किसी के साथ लेने का मौका था। अभी अपना खाता खोला जीनी अब साइड पर है। जीनी और अभी की पारंपरिक जोड़ी मैदान के ऊपर जीतने के लिए छाने रनों की जरूरत 12-12 ओवर का ये मुकाबला देर से आए हुए सभी दर्शकों को मैं बता दूं ईशा के लेवल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था पर इलेवन ने छाने रन बनाए। बहुत ही बढ़िया गेंद का मान लिया कवर की दिशा में खेला एक रन लेना चाहते थे लेकिन नकार दिया। अभी और जीनी सरदार गेंद करेंगे अभी को बहुत ही बढ़िया कर रहा है और जीनी का मतलब जीनी करता हूँ ये पहला छक्का काफी बढ़िया बल्लेबाज रहा जीनी जिन्होंने कई बार तो 70 रन बनाए थे।
अगली गेंद करने के लिए तैयार स्ट्राइक पर टीम और पहले नंबर के बाद में चले गए पॉइंट पे और गेंद पर इसी तरह के बीच में हार खेल के लिए टीम ने कमाल के से गंदा हुआ ये तीन रन छक्का बाबर ने कमाल का रन छक्का Thank you.
Thank you.
Bye-bye.